हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अमान, आपका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर अमान के वीडियोस में। दोस्तों, अगर किसी को छींके बहुत आती है, नाक से पानी गिरता है, नाक बंद है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, गले में दर्द है, फेफड़े में कफ जमा हुआ है, बहुत कोशिश करते हैं निकालने का, निकल नहीं रहा है, और बहुत सा ट्रीटमेंट किए, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक किए, यूनानी किए, फिर भी आराम नहीं मिला, तो उनके लिए ये वीडियो है। इसमें जो दवा बताने जा रहा हूँ, ये दवा बहुत ही अच्छी है। इसकी 4 बूंदें लेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वीडियो पर बने रहिए, कहीं जाइए नहीं। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर पसंद आता है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको डस्ट एलर्जी है, डस्ट लगने से, धूल लगने से, या पराग लगने से छींके हो जाती है, नाक बंद होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, फेफड़े में कफ जमा हो जाता है, नाक के पीछे कफ गिरता है, जिसे कहते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं, वो हो रहा है। बहुत सारी दवाई लिया, एलोपैथिक की दवा लेते हैं, सीटी जिन हुआ, एलग्रा हुआ, लेने से थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। जिस दिन लेते हैं उस दिन आराम होता है, अगर कल होकर ना लें तो फिर से वही कंडीशन हो जाता है। सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, फेफड़े में कफ बहुत जमा है, बहुत कोशिश कर रहा है कफ निकालने के लिए मगर कफ निकलता नहीं है, गले में चिपक जाता है, बहुत खांसी करते हैं, खखाड़ते हैं, फिर भी वो कफ नहीं निकलता है। तो उसके लिए इसके लिए ये दवा है जो मैं आगे बताऊंगा। ये दवा बहुत ही अच्छी दवा है, और ये जो क्रोनिक उनको जिनको एलर्जी है, क्रोनिक डस्ट एलर्जी है, पोलन एलर्जी है, कोल्ड एलर्जी है, उसके लिए ये दवा बहुत अच्छी है। थोड़ा भी डस्ट लगने से बहुत छिकाना शुरू हो जाता है, नाक से पानी गिरने लगता है, और गले में दर्द होता है, रात को सोते वक्त सांस में सीसी की आवाज़ आती है, बलगम अंदर भरा हुआ है लेकिन बाहर निकलता नहीं है, बहुत खांसी होती है, बहुत कोशिश किया, बहुत सा कफ सिरप पिया लेकिन वो बलगम ना निकलता है ना खांसी ठीक होती है। बहुत से सारी दवाई ट्राई किया, आयुर्वेदिक भी किया, यूनानी भी किया, एलोपैथिक भी किया, और कुछ होम्यो दवाई भी खाया, लेकिन कफ में कोई आराम नहीं मिला, बलगम निकलता ही नहीं है, और बलगम अंदर जमा हुआ जैसे वो चिपका हुआ है। तो इसके लिए एक दवा है जो बहुत अच्छी दवा है, होम्योपैथी की दवा है ये, जिसका नाम है जस्टिसिया एराटोडा। ये दवा मिलती है होम्योपैथिक फार्मेसी में, मिलती है इसी नाम से मिलती है, जस्टिसिया एराटोडा। इस दवा को लेने से कफ बहुत आसानी से निकलने लगता है, आपकी जो एलर्जी है वो ठीक होती है, डस्ट एलर्जी हो, चाहे पोलन एलर्जी हो या फिर कोल्ड एलर्जी हो, उससे बहुत फ़ायदा होता है, सांस लेने में आराम मिलता है। जब ये दवा शुरू करेंगे तो कफ निकलेगा बाहर, कफ में बाहर निकलने से आराम मिलता है, कफ खांसी में बहुत आराम मिलता है, जब बलगम बाहर निकलता है तो बहुत आराम मिलता है। एक्यूट केसेस हो, आपको कुछ दिनों से शुरू हुआ हो या बहुत दिनों से है, ये दवा सब में फ़ायदा करती है। ये दवा अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, उसमें भी बहुत फ़ायदा करती है, बच्चों को, बड़ों को, सबको। जब भी बच्चे को अगर ये है, जब ये अटैक होता है इसका, तो नेबुलाइज करना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलता है, तो उसके लिए भी ये दवा बहुत अच्छी है। जब दवा शुरू कर देंगे, ना तो नेबुलाइज की ज़रूरत पड़ेगी, ना एलर्जी की दवा की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बार बार आप सीटीजिन लेते हैं, जब भी जुकाम होता है, जब भी आपको नाक से पानी आता है, छींके आती है, आप सीटीजिन लेते हैं, ये दवा जब शुरू करेंगे तो सीटीजिन या कोई भी एंटी एलर्जी की दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, नेबुलाइज की भी करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये दवा बहुत ही अच्छी है, बहुत पेशेंट पर आजमाई हुई दवा है। अब चलिए बताते हैं कि ये दवा को कैसे लेना है। अगर आपको कुछ दिनों से खांसी हुआ, कुछ दिनों से बलगम जमा हुआ है, तो इसका मदर टिंचर ले, जस्टिसिया एराटोडा मदर टिंचर या क्यू, उसको लेंगे तो कफ बहुत आसानी से निकलेगा। अगर आपको कुछ दिनों से, 2-4 महीना से है, तो इसको, इस दवा की पोटेंसी लें, अगर 3x मिलता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो 30 लें, 30 का 4-4 ड्रॉप
दिन भर में 3 बार लें, वन वीक तक ले, आराम मिलेगा। अगर क्रोनिक आपको एलर्जी है, क्रोनिक डस्ट एलर्जी या पोलन एलर्जी है या कोल्ड एलर्जी है, इसकी इसी दवा की 1 mg की मात्रा लेंगे, पोटेंसी लेंगे। 1 mg मतलब 1000, जस्टिसिया एडाटोडा 1000 या 1 mg, इसकी 4 बूंद लेंगे हर 15 दिन पे, और लेते रहेंगे 2-3 महीना तक। दवा लेने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपका क्रोनिक है, सालों साल से बीमारी है, तो ये आपको कम से कम तीन महीना ज़रूर लेना पड़ेगा, उससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। एक्यूट केसेस में जैसा कि मैंने बताया, 30 की दिन भर में 3 बार लीजिए और 1 वीक तक लेने से ठीक हो जाएगा। अगर ये सर्दी जुकाम, ये बलगम, चेस्ट में बलगम है, इसके साथ में आपको बुखार भी हो रहा है, तो एक दवा आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो दवा है ओसिमम सेंक्टम क्यू या पोटेंसी बे। ये दोनों दवा को साथ में लेंगे तो आपको सर्दी, खांसी, बलगम और बुखार सब ठीक होगा। जस्टिसिया से बलगम बाहर निकलेगा और ओसिमम से आपको फीवर, बुखार जो है बुखार भी ठीक होगा, जुकाम भी ठीक होगा। तो इस तरह से दोनों दवा मिलकर बहुत अच्छा काम करेगी। तो ये दवा को आप ज़रूर आजमाइए और ये वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है, उनको आप ये वीडियो दिखाएंगे, उनको फ़ायदा होगा तो वो आपको दवा ही देंगे। इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए और दवा खुद भी आजमाइए, या और घर में किसी को है तो उनको भी दीजिए। तो जस्टिसिया एडाटोडा क्यू या 30 या 200 या 1 mg, तो जैसी ज़रूरत है वैसे यूज़ कीजिए। अगर एक्यूट केसेज है या कुछ दिनों से है तो 30 या 200 यूज़ कीजिए, अगर पुरानी बीमारी है तो 1000 या 1 mg, 1 mg को ही 1000 बोलते हैं, उसको लें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, दो लोग तक पहुँचाएँ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और इस दवा को आज ही लेकर के आप आजमाइए। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, एलर्जी है, या किसी और को है घर में, तो ये दवा ला कर के आज से ही स्टार्ट कीजिए और रिज़ल्ट देखिए कितना अच्छा होता है। तो जस्टिसिया एडाटोडा मदर टिंचर या 30 या 20 लेना है, 200 लेना, और बुखार होता है और साथ साथ फीवर भी आता है तो, और ओसिमम सेंक्टम को लेना ना भूले, ओसिमम सेंक्टम क्यू या 30। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो लोग पहली बार मेरे वीडियो में आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।